हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की सीरीज का थर्ड लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आपने अगर पहले दो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो सबसे पहले वो लेक्चर अटेंड कीजिए, वरना आज के लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, हर लेक्चर के साथ में एक क्विज इनबिल्ड है। आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज का लिंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद उसका क्विज लगाएं, फिर नया लेक्चर देखें, फिर आप क्विज लगाएं। ये प्रोसेस आपका एक ऑर्डर में चलना चाहिए। कोई होशियारी मत दिखाना, जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए। आपको परफेक्ट मतलब अप्रोच के साथ में मैं पढ़ा रहा हूं, आपको डेफिनेटली सुधार दिखाई देगा। कोई होशियारी नहीं कि मेरे को आता है, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। आप प्रॉपर अप्रोच पे काम कीजिए, प्रॉपर प्रोसेस पे काम कीजिए, सुधार दिखाई देगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट के साथ। इससे पहले हमने स्क्वायर पे बात की है, दो लेक्चर हैं, प्लीज उनको ढंग से देखेगा, क्योंकि आज का मेथड जो है वो उन्हीं पर कहीं ना कहीं काफी हद तक बेस करेगा। चलिए स्क्वायर देखिए, दो तरह के हमारे पास देखने में आते हैं। पहला एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट निकालना, और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, जो कि अप्रोक्सीमेशन में काम आता है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो होता है नंबर, उसका स्क्वायर रूट निकालना और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना, दोनों पर हम बात करेंगे। और दोनों को ध्यान से आप सुनिएगा, दोनों की अप्रोच भी सेम है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप स्क्वायर करना ढंग से सीख लीजिए, जिस अप्रोच से मैं बता रहा हूं वैसे सीखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है उस पर समझिएगा। जैसे हमें देखिए 30 तक के स्क्वायर्स तो याद है, सबसे पहला सवाल। ये लेक्चर भी आप देखिएगा दो तीन वीडियोज में दो वीडियोज में जाएगा, आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, आधा पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम 100-200 तक के स्क्वायर जितने हो पाते उतना कर लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करेंगे। देखिए 30 तक के स्क्वायर्स हमको याद है, अगर उसका कोई भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमसे लिखा हुआ दिखता है, जैसे अगर हमें 625 लिखा दिख गया तो हम बोल सकते हैं सर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 होगा। तो 30 तक के स्क्वायर तो याद है, तो 1000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं आपको सच बात बताऊं कि 1000 तक कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन उसके आगे के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या क्या करते हैं उस पर बात करते हैं। लेकिन देखिए 1000 तक परफेक्ट स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर मैंने आपको कहा रूट 17 बताइए सब कितना होगा, तो रूट 17 की वैल्यू बच्चा लिख नहीं पाता है। जबकि देखिए तरीका बड़ा सिंपल सा बता रहा हूं आपको मैं, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो एकेडमिक मेथड है उससे भी निकालेंगे यही चीज आएगी। और क्यों आती है उसका कारण है हमारे पास में, बट कारण पे हम डिटेल चर्चा नहीं कर रहे हैं, छोटा सा है। देखिए 16 इससे जस्ट पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 17 से ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 16, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, बस वो लिख दीजिए, ठीक है, 4 प्लस, क्योंकि 16 तो है नहीं तो 4 आंसर नहीं आएगा, उससे कुछ ज्यादा ही आएगा। अब कितना देखिए कितना ज्यादा है, 16 से 1 ज्यादा है, ठीक। बस आपको क्या करना है, जो अभी स्क्वायर रूट आपने अप्रोक्सीमेट यहां पे देखा, जैसे आपने 4 लिखा, 4 का डबल नीचे डाल दीजिए 8, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 and 1/8, या कह सकते हैं 4.125, जो कि अप्रोक्स आंसर है। क्यों है, कारण बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता सकता हूं, बट अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, जब हमारे कंप्लीट लेक्चर होते हैं तो हम इस पे कारण पे भी बात करते हैं, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप बता पाए। लेकिन देखिए अभी फटाफट पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे रूट 19 है, समझिएगा 19 जो है इससे जस्ट लेस परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 16, क्या होगा, 4। ये 16 से कितना ज्यादा है, 16 से 3 ज्यादा है, तो 3 लिखिए, और 4 का डबल कितना, 8 लिख दीजिए, यानी कि 4.375 अप्रोक्स स्क्वायर रूट है इसका। आप मोबाइल से चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट 23 आपको निकालना है। अब रूट 23 की जहां बात आती है, तो देखेंगे आप 16 पर जाने की जरूरत नहीं, इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लीजिए, इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर है 25, तो देखिए 5, लेकिन कम होगा कुछ, ये जो वैल्यू आएगी इससे कुछ कम होगी, क्योंकि 25 नहीं है, 25 नहीं है, 25 से लेस है, कितना लेस है, 2 लेस है, तो 2 लिखिए, और इसका डबल, 5 का डबल कितना, 10, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1/5, जिसको आप कह सकते हैं 4.8 या 4 and 4/5, यानी कि 4.8 आपका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मुझे ये कहा जाए रूट 35 आप बताइए कितना होगा, तो आप देखेंगे इससे जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 36, उसका 6 हो जाता है माइनस, तो देखेंगे 36 से 1 कम है, 1 डिवाइडेड बाय 6 का डबल कितना, 12, तो 1 - 1/12 आप जानते हैं परसेंटेज टर्म्स में 8.33 होता है, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.08 आएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 5.9
91 अप्रोक्स जाएगा, तो आप 5.91 अप्रोक्स कह सकते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से ये चीज कुछ समझ में आई होगी। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे अगर आपको कहा गया कि रूट 59 की वैल्यू बताइए या रूट 60 की वैल्यू बताइए, रूट 60 अप्रोक्स कितना होगा, तो आप जानते हैं रूट 60 अप्रोक्स कितना होगा। आप ये कह सकते हैं इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 64, जो कि 8, ठीक है ना, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 8। माइनस 64 से कितना कम है, 4 कम है, और 8 का डबल आप जानते हैं कितना, 16 डाल दीजिए, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा, तो 8 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 7.35, यानी कि 7.75 अप्रोक्स आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी अप्रोच पे आके काम करते हैं। एक मिनट में बोर्ड इरेज कर देता हूं पहले। चलिए अब हम बड़े नंबर के स्क्वायर रूट पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया रूट 125 का स्क्वायर रूट निकालिए, आप तो आप जानते हैं 125 से ठीक छोटा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक लेस परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11 प्लस। अब 121 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 4, 11 का डबल 22 आप लिख दीजिए, काटेंगे तो 2/11 आएगा, यानी कि 11.2/11 होता है, देखिए 1/11 होता है 9.09% परसेंट में, डबल करेंगे तो 18.18% में आता है, तो यहां पे कितना आएगा 11.18, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है 11.18। देखिए ये फ्रैक्शंस वाली बात जो है आगे जो वीडियोस रहेंगे उसमें हम कहीं ना कहीं कवर करेंगे, अभी आप मैनेज कर लीजिए 2/11 निकाल के आपको लिखना है। चलिए अब आते हैं इसे रूट 200 आपको कहा, तो इसे जस्ट लेस परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 लिख दिया। अब ये कितना है 196 से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, नीचे आप देखिए 14 का डबल 28 डाल दीजिए, काटेंगे 1/7, तो 14.14, क्योंकि 1/7 14.28% होता है, तो 14.14 आपकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट देखिए रूट 537 का अगर मुझे स्क्वायर रूट लिखना है, तो आप देखेंगे रूट 537 का स्क्वायर रूट निकालें तो 537 के बहुत क्लोज अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वह है 529। 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, तो आप देखेंगे 529 अगर होता तो यहाँ पे 23 आता, प्लस एक्स्ट्रा कितना है देखेंगे 529 से ये एक्स्ट्रा है 8, 529 से कितना 8 ज्यादा है ना, 8/23 का डबल कितना 46, अगर आप इसको काटते हैं तो 5/23 आता है, 4/23 आता है, 4/23 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 24 होता तो 1/6 बन जाता, ठीक है ना, 6 बार जाता तो 1/6 बन जाता, और 1/6 आपको याद है कितना होता है 0.16, या आप कह सकते हैं 16.16%, तो आप देखेंगे ये 24 नहीं है 23 है, तो 0.16 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो हम कह सकते हैं 23.17, 16 आ रहा, मैंने 17 लिख दिया, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है इसका। जैसे अगर मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 670 निकालना है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 670 निकालना है, इसके क्लोज नंबर कौन सा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, 625, क्या है नंबर 625, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 आपको याद है, अब 25 है, 25 में से कुछ कम होगा, कितना कम होगा, देखिए कितना कम है 625 से, 8 कम है, तो 8 यहां लिखिए और 25 का डबल 50 नीचे डाल दीजिए, जैसे आप काटेंगे ये 4/25 आ जाएगा, 4/25 मतलब कितना 0.16 अगर आप माइनस करते हैं इसमें से, तो ये 24.84 आपके पास में आ जाता है, 24.84 आपके पास में अप्रॉक्स बनता है। मान लीजिए अगर आपको निकालना है 833 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, अब आप जानते हैं 841 किसका स्क्वायर है, 841 स्क्वायर है आपका किसका, 29 का, अब 29 का स्क्वायर है, तो देखें 29 से ये कुछ कम है, 841 से कितना कम है, 41 से आप देखेंगे ये 8 कम है, वो बात और है बाय द फॉर्ड, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस रहा, वहां भी 8 रहा, यहाँ पे भी 8 का ही डिफरेंस आ गया, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी लेकर नहीं चल रहा हूं कि 8 ही लिखना है मुझे ऊपर, ध्यान रखिएगा, तो ये कितना कम है 8 कम है, 8/29 का डबल कितना 58। अब आप देखेंगे यहां पे इसको कट किया जाए तो लगभग लगभग 1/7 जाएगा, क्योंकि 56 होता तो 7 बार जाता, 1/7 कितना होता है 0.14, तो 29 माइनस 0.14 आप अप्रॉक्स दे लीजिए, 0.14 ले लीजिए, वैसे 0.14 से भी थोड़ा कम आएगा तो 0.14 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 29 में से 0.14 माइनस करते हैं तो 28.86 आपका अप्रॉक्स आंसर आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब तक हमने 1000 से लेस जो भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, मतलब 3 अंकों की संख्या अगर हमें दी गई है, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो देखते ही पता पड़ जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि हमें 30 तक के स्क्वायर्स याद हैं, और अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना अब तक हमने सीख लिया। अब आते हैं चार अंकों की संख्या, यानी कि 1000 से बड़ी चार अंकों की संख्या अगर आपको दी जाती है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकती है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला केस हम पहले ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया 1369 का स्क्वायर रूट निकालिए, और आपको ये पता है, ये कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे कंफर्म होगा? वैसे तो देखिए नंबर देख करके समझ में आ जाएगा आपको कि लास्ट में देखिए 69 आ रहा है, और जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के, वो हमेशा 1 से लेकर के 25 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं उनके लास्ट टू डिजिट से डेफिनेटली मैच करेंगे। अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट टू डिजिट्स आपके बिल्कुल उससे मैच करेंगे, हो ही नहीं सकता उसके बाहर बात चली जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उसके लास्ट टू डिजिट्स हमेशा 1 से 25 तक के जो स्क्वायर करने पर संख्याएं आती हैं उनके लास्ट टू डिजिट्स में से किसी ना किसी से जरूर मैच करेंगे। जैसे यहाँ पे 69 आ रहा है तो 13 से मैच करता है, 13 स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 69 बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना, 69 बिल्कुल मैच कर रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट दो स्टेप में लिखना है। पहला स्टेप, आप रेंज कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, पहला स्टेप क्या है, रेंज कैलकुलेट कीजिए। रेंज कैसे कैलकुलेट होगी, आप सिर्फ दो अंकों को देखिए, दो अंक छुपा लीजिए, दो डिजिट्स को छुपा लीजिए, 13 यानी कि 1300 की रेंज है, 13 यानी कि 1300 की रेंज है, 1300 की रेंज है, तो आप देखेंगे 13 का मतलब है 30 और 40। अब 13 जो है 13 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है ना, 9 और 16 के बीच में आता है 13। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा, हम सीधे सीधे से बिना पेन पेंसिल उठाए बोल सकते हैं कि 30 और 40 के बीच में आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। चलिए एक बात यहां तक क्लियर कि हमें सबसे पहले तो रेंज देखना आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड के अंदर आप रेंज कैलकुलेट करके बता देंगे सब ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, मतलब जो नंबर होगा वो 30 और 40 के स्क्वायर रूट के, 30 और 40 के स्क्वायर रूट के बीच नंबर जो होगा ये वाला 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो पहला पॉइंट हुआ रेंज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि करेक्शन कर दीजिए इसमें, करेक्शन कर दीजिए इसमें। अब करेक्शन कैसे करेंगे, देखिएगा 30 और 40 के बीच में जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना हमने सीखा था, कैसे सीखा था, 50 माइनस एक्स याद होगा आपको, 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर की क्लासेस है मैंने वहां पर सिखाया था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे एक्स का मान, एक्स का जो मान है ये, बस आपको ये देखना है कि 30 और 40 के बीच में स्क्वायर किस फॉर्मेट पे करते थे हम करते थे 50 माइनस एक्स, सिंपल सी चीज है। तो आप देखिए बस आपको इतना पकड़ना है कि यहां पे x का मान क्या होगा, यहां पे x का मान 13 है, 13 कैसे है, देखिए 69 से मैच होता है, 69 मैच हो रहा है ना, तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, सब 50 माइनस 13 जो कि होता है 37। तरीका हो सकता है पूरी तरह से समझ में आया हो, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है ना, इन दो स्टेप को ही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3136, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में देखिए 36 आ रहा है, किसमें आता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना। अब आपको पहला काम क्या करना, रेंज देखनी है, ये रेंज किसके बीच में आएगी, देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, मतलब ये 50 और 60 के बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में आएगा। पहला स्टेप पूरा, 50 60 के बीच में आपने स्क्वायर किस बेसिस पे किया, आपने स्क्वायर किया था 50 प्लस एक्स, इसका मतलब 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, देखिए इस बेसिस पे किया था ना। अगर देखिए किसी ने नहीं पढ़ा है तो पहले इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इन्हीं पे बेस है, इसी के ऊपर बेस है, लेक्चर 1 में बताया था मैंने। तो आप देखेंगे सीधे सीधे से कि ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है, और यहां पर आपको एक्स का मान कितना दिख रहा है, एक्स का मान दिख रहा है 6, तो 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा 56, ये इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 56 होगा, 56 होगा। बिना पेन पेंसिल उठाए आप इस चीज को ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं। जैसे एक और करते हैं, ठीक है, 12544, ये खैर 5 अंकों का हो गया, 3844 कर दीजिए, चलिए 4 अंकों का निकाल रहे हैं तो पहले 4 का कर लेते हैं, 3844 हो गया। अब देखेंगे
ये किसके बीच में है? देखिए 36 से बड़ा है, यानी कि 60 और 70 के बीच में है। पहला काम हो गया हमारा, पहला काम क्या है? रेंज निकालना। ये क्या है? 38 है ना, 36, यानी कि 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आ रहा है 38। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 36, ठीक है ना, से बड़ा है ये, तो 60 और 70 के बीच में इसका नंबर वैल्यू आएगा। ये जो नंबर आएगा 60 और 70 के बीच में आएगा, उसके स्क्वायर के बीच में आएगा। बस इतना आपको कैलकुलेट करना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में यहां पे देखिए 44 किस में आता है? 12 में आता है। 12 का स्क्वायर करते हो तो 144 आता है ना। बस लास्ट टू डिजिट्स मैच करने चाहिए, किसके कर रहे हैं? 12 के। तो यहां पे देखेंगे x का मान कितना हुआ, 12, और 60 और 70 के बीच में जब आप स्क्वायर कर रहे थे तो 50 के बेस पर करते थे ना, तो कितना करते थे, 50 प्लस 12, तो 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 62, कितना हो गया, 62। जैसे एक और नंबर लेते हैं हम, एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए अगर मुझे कहा गया थोड़ा सा छोटा ले ले, मतलब नंबर अपन इस तरह का लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1936। अब देखिएगा यहां पे 36 आ रहा है, 6 है ही, यहां पे देखेंगे 19 आ रहा है। तो सबसे पहला काम रेंज देखें, 19 आ रहा है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट होगा किसके बीच में जाएगा, 40 और 50 के बीच में जाएगा, क्योंकि यहां पर 16 और 25 के बीच का नंबर है, 16 और 25 के बीच का नंबर है, तो 40 और 50 के बीच में जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। पहली चीज रेंज आ गई। अब 40 और 50 के बीच में जो स्क्वायर रूट आप लिखते, स्क्वायर आप करते थे, वो 50 के बेस पर करते थे, 50 माइनस एक्स, याद कीजिए 50 माइनस एक्स करते थे ना, 50 के बेस पे स्क्वायर करते थे, 50 माइनस करते थे, तो यहां से कम कितना, एक्स का मान कितना रहा है, देखो यहां पर 6 है ना, तो एक्स का मान 6 हो गया, 50 माइनस 6 कितना, 44 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, और आज के लेक्चर में मैं इतना ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं बहुत स्लो, बहुत धीरे आपको पढ़ा रहा हूं, तो आज मैंने बात थोड़ी सी की है, थोड़ी सी की है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़ा आप क्विज को लगाइए, थोड़े डाउट्स देखिए क्या आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। नंबर आप लोगों के पास, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो होगा ही, जो नहीं है आपको नंबर तो मिल जाता है, वेबसाइट पे मेरे दिया हुआ है, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा। इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा वो इसके आगे का होगा, ठीक है ना, इसके आगे का लेक्चर होगा वो, और इसका लेवल फिर हम बढ़ाएंगे। अभी 4 अंकों की संख्या भी पूरी कहां हुई है, ठीक है ना, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमने 5000 के आसपास आप देखेंगे नंबर, 5000 तक की संख्याओं तक का निकालना सीखा है, 5000 से बड़ी 10000, 20000 संख्या तो 8 अंकों की भी हो सकती है, देने वाला देना चाहे तो। क्या करवा रहा है वो आपसे, स्क्वायर रूट निकलवा रहा है? नहीं, वो रेंज कैलकुलेट करवा रहा है, जो रेंज निकालने की बात मैं कर रहा हूं ना, वो कैलकुलेट करवा रहा है। देखिए आपको वो चीज तभी आएगी जब छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आपकी पकड़ होगी, फिर आप बड़े क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही है, और लास्ट में इतना कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अपने जैसे फ्रेंड्स को और लोगों को इसमें जोड़ें, ताकि हम इस चीज को और अच्छे से आगे तक ले जा पाएं, ठीक है, थैंक यू।